you <laughs> वालेकुम हम आज के लेक्चर में ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट पे बात करेंगे बैलेंस शीट में आज के लेक्चर में हम एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे बात करेंगे और हमारे अगले लेक्चर में हम लाइबिलिटी साइड ऑफ़ द बैलेंस शीट पे बात करेंगे एसेट साइड ऑफ़ द बैलेंस शीट में जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वो होती हैं फिक्सड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स फिक्सड एसेट्स से मुराद है वो एसेट्स जो कंपनी एक लंबे अरसे के लिए हासिल करती है और जिनको कंपनी एक काफ़ी अरसे के लिए इस्तेमाल करेगी नॉन टेंचेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता लेकिन वो कंपनी को कोई हक देती हैं जिससे कंपनी को अरसे तक फायदा हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है जैसे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हों या दूसरी कंपनियों के शेयर्स हों या करंट ऐसेट्स से मुराद है वो एसेट्स जो कंपनी अपने रोज़मर के इस्तेमाल के लिए असर करती है जिसमें आमतौर पर स्टॉक्स रिसिवेबल्स और कैश शामिल होता है अब हम देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ऑडिटर की दिलचस्पी क्या है यानी ऑडिटर को किन किन बातों का ख्याल रखना है इसमें से पांच बातें हैं सबसे पहले तो ऑडिटर ने देखना है कि फिक्स एसेट्स हैं वो कंपनी ने मुनासिब तरीके पे एक्वायर की हैं यानी सही कीमत पे सही जगह पे सही ज़रूरत के तहत सही तरीके से प्रॉपर अप्रूवल के तहत एक्वायर की हैं दूसरी चीज़ ऑडिटर ने देखनी है कि वो फिक्स एसेट्स फिज़िकली एग्जस्ट करती हैं यानी वो ज़मीन पे मौजूद हैं तीसरी चीज़ ये कि उन एसेट्स के बारे में कंपनी ने मुनासिब रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं चौथी चीज़ अपने दे देखनी है कि वो जो एसेट्स हैं वो वाकई ही कंपनी की मलकियत है ये नहीं है कि कोई एसेट कंपनी के बैलेंस शीट में शामिल की गई है लेकिन वो कंपनी की है ही नहीं और आखिरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस कीमत पे या जिस वैल्यू पे वो फिक्स एसेट बैलेंस शीट में शो की जा रही है वो दुरुस्त है अब ना सिर्फ ये कि वो कीमत दुरुस्त होनी चाहिए बल्कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी होनी चाहिए अब हम पहले स्टेप की तरफ आते हैं एक्विजिशन फिक्स एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स की खरीदारी सबसे पहले ऑडिटर को देखना चाहिए कि फिक्स एसेट्स की खरीदारी के लिए एक रिटर्न डाउन प्रोसीजर मौजूद है और यह कि वो प्रोसीजर सही है और रिलायबल है और उसमें इस बात का इम्कान नहीं है कि कोई एसेट गलत तरीके पे एक्वायर कर ली जाएगी इस प्रोसीजर के नॉर्मली जो स्टेप्स होते हैं उसमें पहला स्टेप है कि ये परचेज शुरू कहाँ से होती है यानी अगर कंपनी में किसी बंदे ने कोई फिक्स एसड खरीदनी है मिसाल के तौर पे एक नए डेस्क की ज़रूरत है तो क्या कदम उठाए जाएंगे उसके लिए कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाएगी उसका तरीका कार क्या है ज़ाहरा वो राइटिंग में होनी चाहिए उसकी अप्रूवल कैसे दी जाती है अप्रूवल देने से पहले उस रिक्वेस्ट को कोई बंदा इवेलुएट कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एवेलुएट करता है कि हाँ भाई इस चीज़ की ज़रूरत है और यह कि इस चीज़ की तकरीबन कीमत इतनी होगी या कोई उसका कोई टेंडरिंग प्रोसेस या कोई तरीक़ाकार है उसकी परचेज का तरी कोई एवेल्युएट करने का तरीका क्या है और अक्सर चूंकि फिक्स एसेस बड़ी चीज़ें होती हैं और इनके बारे में बहुत लंबे ऐसे पहले ही प्लानिंग कर दी जाती है तो उसमें नॉर्मली बजट में उसकी प्रोविजन कर दी जाती है उसकी जगह रखी जाती है तो अप्रूवल प्रोसेस में बजट से कंपेरिज़न भी शामिल होता है फिर उसके बाद अगला मरहला आता है अप्रूवल के बाद एक्चुअली उसको ख़रीदने का यानी एक अप्रूवल हो गई कि एक डेस्क ख़रीदा जाए फिर वो जब एक्चुअली डेस्क खरीदा जाए तो उसमें क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं उसका ऑर्डर कैसे दिया जाता है उसकी इंस्पेक्शन कैसे की जाती है वगैरह उसकी कीमतें कैसे हासिल की जाती हैं और जब एक दफ़ा आपने परचेज़ कर ली तो जब वो एक्चुअली कंपनी की कस्टडी में आती है कंपनी के प्रोमिस में आती है तो उसकी रिसिप्ट उसकी वसूलकी की स्टेज पर क्या इकदाम जाते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स राइज होती हैं किस तरह एंट्री की जाती है और जब वो वसूल हो जाती है तो उसके लिए फिर क्या रिकॉर्ड रखे जाते हैं फिक्स एसड रजिस्टर में उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है उसकी किस मूवमेंट को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है तो इन बातों के बारे में ऑडिटर ने अपने आप को मुतमिन करना है अब आते हैं कि ऑडिटर अपने आप को फिज़िकल एग्जिस्टेंस के बारे में किस तरह मुतमिन करेगा तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि ख़ुद झाती तौर पर जाके ऑडिट audit, ऑडिटर जो है वो एसेट्स को फिज़िकली वेरीफाई करे अब ये मुमकिन नहीं होता हमेशा मुमकिन नहीं होता कि कंपनी का ऑडिटर जो है वो हर फिक्स्ड एसेट को फिज़िकली जाके वेरीफाई कर सके लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके ऑडिटर को चाहिए कि कंपनी की जितनी फिक्स एसेट्स हैं उनको ज़ाती तौर पे जाके फिज़िकली देखे कि वहाँ मौजूद हैं कि नहीं है जब वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस देख रहा होगा तो वो दो बातें और भी देखेगा मतलब एक बात तो उसने ये देखी ना कि वहाँ पर एसेट मौजूद है दूसरा वो ये बात ये देखेगा कि उस एसेट की कंडीशन क्या है अब मिसाल के तौर पर एक मशीन है किताबों में तो मशीन है जब आपने देखी तो पता चला गया वो तो सिर्फ एक स्क्रैप का ढेर है तो आप उसकी कंडीशन भी देखेंगे और तीसरी अहम चीज़ ये देखेंगे कि वो इस्तेमाल कैसे हो रही है इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही और अगर हो रही है तो कैसे इस्तेमाल हो रही है क्या उसका यूज़ हो रहा है या अब्यूज़ हो रहा है फिज़िकल इंस्पेक्शन जहाँ पे मुमकिन ना हो सके और बाज़ात मुमकिन नहीं होती कुछ कंपनियों के एसेट्स जो हैं सारे मुल्क में फैली होती हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो हर जगह जा सके तो फिर वहाँ और आमतौर पे क्लाइंट ख़ुद जो है वो फिक्स एसेट्स की इन्वेंट्री गाय बगाहे लेता रहता है तो ऑडिटर को चाहिए कि उस एक्सरसाइज़ में शामिल हो उसकी प्रोसीडिंग्स को देखे और उन प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड के साथ वेरीफाई करे कि वो दुरुस्त है। अब अगला मरहल है फिक्स एसेट्स के रिकॉर्ड्स इसमें ऑडिटर को क्या दिलचस्पी है सबसे पहले ऑडिटर को चाहिए कि वो फिक्स एसेस रजिस्टर हासिल करे फिक्स एसेस रजिस्टर वो किताब होती है जिसमें तमाम फिक्स एसेस की डिटेल होती है उस और फिर एक खास खासतौर पे इस बात पर तोजह दे कि ईच इंडिविजुअल एसेट को एक नंबर या कोड या मार्किंग अलोकेट कर दी गई है और फिर टेस्ट चेक बेसिस पे वो उस मार्किंग नंबर को फिक्स एसेड रजिस्टर के साथ कंपेयर करें मिसाल के तौर पे किसी दफ्तर में जाएं वहां पे अगर कोई डेस्क का डेस्क पे क्या नंबर लिखा हुआ है वो नंबर उसकी वैल्यू कितनी है वो फिक्स एसेट रजिस्टर में जाके चेक करें कि ये, इस नंबर के तहत ये वाकई रजिस्टर ही है और उसकी ये वाकई एक डेस्क है और इसकी ये, ये वैल्यू है फिक्स एसेट रजिस्टर और जो लेजर में रेलिवेंट अकाउंट्स हैं या फिक्स एसिड लेजर या जनरल लेजर में अगर फिक्स एसिड अकाउंट्स हैं उनको फिक्स एसड रजिस्टर के साथ कंपेयर किया जाए और ख़ासतौर पर जो परचेज साल के दौरान की गई हैं और वो बहुत ज़्यादा नहीं होती तादाद में ज़्यादा नहीं होती रकम में बड़ी होती हैं लेकिन तादाद में ज़्यादा नहीं होती उनको ईच एंट्री को डिटेल में चेक करें फिर अगली चीज़ है कि अगर एसिड्स का कोई यूसेज रिकॉर्ड भी है मिसाल के तौर तो पर प्लांट्स के बारे में प्लांट रजिस्टर होता है या व्हीकल्स के बारे में रजिस्टर होता है कि कब कहाँ इस्तेमाल हुई कितने किलोमीटर चली वगैरह तो उन रिकॉर्ड्स को भी ऑडिटर फिक्स एसेट्स रजिस्टर के साथ और फिक्स एसेट लेजर के साथ कंपेयर करें अब अगला मरल है मलकियत ऑडिटर ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि ये जो जो बैलेंस शीट कंपनी की बैलेंस शीट में जो एसेट शो की गई है वो वाकई ही कंपनी की मलकियत है उस सूरत में आप डॉक्यूमेंट्स देखें डॉक्यूमेंट्स कहाँ होती हैं परचेज एग्रीमेंट होगा उस चीज़ के ख़रीदने का या उसकी टाइटल डीड होगी या बुक होगी कुछ चीज़ों की टाइटल डी लॉग बुक नहीं होती फॉर एग्जांपल फर्नीचर उसकी ओरिजिनल इन्वाइस होगी या उसकी पेमेंट की एविडेंस होगी तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वो कंपेयर करें फिक्स ऐसे रजिस्टर के साथ और फिक्स ऐसे लेजर के साथ बाज़ अवकात किसी द, किसी पर्टिकुलर एसेट की ओनरशिप ऑफिशियली कंपनी के नाम पर नहीं होती मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई गाड़ी लीज़ की है तो उसमें लीजिंग कंपनी का नाम भी शामिल होगा तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो अगर किसी और मालिक का पार्ट या फुल्ली नाम मालिक कोई और है तो उस मालिक से आप एक सर्टिफिकेट कंपनी जरूर हासिल करें कि उसकी कंपनी की सही मलकियत जो है एसेट की सही मलकियत जो है वो कंपनी की है अब अगर कोई एसेट प्लेज की गई है यानी उस एसेट के अगेंस्ट लोन हासिल किया गया उस पर कोई चार्ज या लियन है तो फिर ऑडिटर को चाहिए कि प्लेज और लियन के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और असेस करें कि ये जो प्लेज है वो, वो रीजनेबल है अब कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के एसेट जो हैं किसी गैर मुतल लोन के बारे में से, की वजह से प्लेज कर दी गई हैं जो कि मुनासिब नहीं होगा अब आखिरी मरहल है कि जिस कीमत पे जिस वैल्यू पे एसेट बैलेंस शीट में शो की गई है क्या वो सही है कि नहीं है अब बुनियादी तौर पे दो तरीके से वैल्यू शो की जा सकती है एक तो बुक वैल्यू बुक वैल्यू से मुराद है कॉस्ट ऑफ द आइटम माइनस डेप्रिसिएशन सो फार प्रोवाइडेड यानी अकम्य डेप्रिसिएशन तो अब ये तो लेजर से वेरीफाई की जा सकती है और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर को रिकैलकुलेट करके वेरीफाई किया जा सकता है कि ये सही है अगर एसेट को बुक वैल्यू पे शो नहीं किया गया यानी किताबों में वैल्यू और है लेकिन बैलेंस शीट में कोई और वैल्यू शो की गई है तो उसकी वजह यह होगी कि वो इंटरनल या किसी एक्सटर्नल ऑडिट एक्सपर्ट ने वैल्यू की हो बाज़ का ऐसा होता है कि कंपनी के एक एसेट है मिसाल के तौर पर पीस ऑफ लैंड वो कंपनी ने पाँच लाख का लिया था पंद्रह साल पहले अब उसकी वैल्यू अगर आप किताबों में पाँच लाख ही लिखते रहें और उसके अगेंस्ट अगर आपको पचास लाख का लोन चाहिए होगा तो नहीं मिलेगा तो कंपनी उसको री वैल्यू करवा लेती है आमतौर पर इस तरह की वैल्यूएशन या तो कोई इंटरनल या कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट करता है जिसने भी की हो ऑडिटर को चाहिए कि वैल्यूशन रिपोर्ट हासिल करे और उसकी रीज़नेबलनेस के बारे में एक राय कायम करे कि क्या यह मुनासिब लगती है जो कीमत दिखाई गई है क्या वो सही महसूस होती है और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जिस भी बेसिस ऑफ वैल्यूएशन पे एसेट वैल्यू की गई है बुक वैल्यू पे यानी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर की गई है या मार्केट वैल्यू पे की गई है बाय एन इंटरनल और एक्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट तो इस बात को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाए कि ये जो वैल्यू बैलेंस शीट में शो की गई है ये इसकी मार्केट वैल्यू है जिसे फलानी कंपनी ने या फलाने एक्सपर्ट ने वैल्यू किया फिक्स एसेट्स के बाद हम आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स से।, से मुराद है वो रकूम जो कंपनी ने अदा की हैं और जिनके एवज कंपनी को कोई को फिजिकल एसेट नहीं मिली बल्कि कोई हक मिला है या कोई एक राइट मिली है जिससे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है या फिर वो रकूम जो इस मकसद के लिए अदा की गई हैं जिस मकसद का फ़ायदा जो है कंपनी को एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं बल्कि लंबे अरसे तक वसूल होता रहेगा हकूक की मिसाल है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपी राइट्स पेटेंट्स ट्रेडमार्कस इन पर जो कंपनी खर्च करती है उसका फ़ायदा कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है लेकिन उसका फ़ायदा कंपनी को लंबे अरसे तक मिलता रहता है इसी तरह कंपनी अगर कोई पिलीमिन्री एक्सपेंसिस कंप कि फॉर्मेशन के दौरान अगर स्पेंड करती है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है वो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में वसूल करती है प्रूडेंस के हिसाब से तो ये कहा जाता है कि सही बात तो यह कि जितनी जल्दी हो सके इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ कर देना चाहिए ये नहीं बैलेंस शीट से निकाल देना चाहिए लेकिन हमेशा ये मुमकिन नहीं होता इंटें इंटेंजिबल एसेट्स की एक्विजीशन में बाजों का बड़ी भारी रकम खर्च होती हैं और उनको अगर आप बहुत जल्दी बैलेंस शीट से निकाल दें तो इसका मतलब ये एसेट से रिमूव करें तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट लॉस में डेबिट करना पड़ेगा तो उससे साल ब साल का जो प्रॉफिट है वो बहुत सीवियरली डैमेज हो सकता है तो इसलिए कंपनीज इंटेंजिबल एसेट्स को यकदम बैलेंस शीट से नहीं निकालती बल्कि रफ्तार रफ्तार उनको राइट ऑफ करती हैं ऑडिट कैसे करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स को उसका बुनियादी तरीका यह कि जिस तरह जिस डॉक्यूमेंट से या जिस वजह से इंटेंजिबल एसेट्स अराइज होती है उन डॉक्यूमेंट्स को आप ऑडिट कर लें अब गुडविल कैसे पैदा होती है जब आप कोई बिजनेस खरीदते हैं और उस बिजनेस की कीमत जो है वो नेट एसेट से आप ज़्यादा अदा करते हैं मिसाल के तौर पे आपने एक फैक्ट्री खरीदी फैक्ट्री के एसेट्स हैं 100 मिलियन उस पर थर्टी मिलियन के लाइब्रिटीज़ हैं तो नेट वैल्यू ऑफ डट फैक्ट्री सेवेंटी मिलियन लेकिन अगर आपने वो फैक्ट्री नाइन्टी मिलियन की खरीदी है तो जो सेवेंटी और नाइन्टी का फ़र्क है ट्वेंटी मिलियन उसे हम कहेंगे गुडविल आप जाहिर है ये गुडविल की पेमेंट जो है आपने किसी वजह से किए किसी डॉक्यूमेंट के तहत किए परचेज एग्रीमेंट के तहत तो उस परचेज एग्रीमेंट को ऑडिटर वेरीफाई कर ले और यह देख ले कि ये जो गुडविल का अमाउंट है और जो अभी तक किताबों में शामिल है वो रीज़नेबल है बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है इसी तरह कापी राइट्स या पेटेंट्स या ट्रेड मार्क्स इनकी भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होती है आमतौर तो पे इनकी वैल्यूएशन जो कॉस्ट पे की जाती है नहीं जिस जो रकम आपने एक्चुअली अदा की है मिसाल के तौर पर किसी इन्वेंटर ने कोई चीज़ इन्वेंट की आपने उसके हकूक खरीद लिए कापी राइट्स आपको मिल गई या पेटेंट राइट्स आपको मिल गए तो इसकी देख लें कि वैल्यू जो आपने कीमत अदा की है वो सही है ओनरशिप के डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम पे हैं और ये जिस पीरियड के लिए वो ओनरशिप हासिल की गई है मिसाल के तौर पर पेटेंट राइट्स वगैरह आमतौर पर छः साल के लिए होते हैं उसके बाद यहाँ तो लैब्स कर जाते हैं या दोबारा रिन्यू कराने पड़ते हैं तो आपने देखना है ऑडिटर ने देखना है कि ये वैलिडिटी उसकी अभी तक शामिल है अभी तक बरकरार है प्लीमिनरी एक्सपेंसिस इस तरह के एक्सपेंसिस जो कंपनी के फॉर्मेशन पे हुए थे ये चूँकि कंपनी से पहले खर्च की कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान खर्चे होते हैं तो नॉर्मली पहली बैलेंस शीट से भी पहले एक्सपेंड हुए होते हैं तो ऑडिटर का ज़्यादातर मेनली इंटरेस्ट उसमें ये होता है कि ओपनिंग बैलेंस उसका चेक कर ले और अगर कोई राइट ऑफ साल के दौरान हुआ है तो उसको चेक कर ले अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट्स मींस जो कंपनी ने कोई शेयर्स या कोई बॉन्ड्स या टी खरीदे हुए हैं तो वो अब ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के पास होंगे तो ऑडिटर को चाहिए सबसे पहले कि एक लिस्टिंग या शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल करें और इस शेड्यूल को एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है उनके साथ कंपेयर करें कि लिस्ट में वही एसेट्स मौजूद हैं जो कि कंपनी के पास एक्चुअली मौजूद हैं मिसाल के तौर पर फलानी कंपनी के शेयर्स हैं क्या वो शेयर्स मौजूद हैं फलानी कंपनी का बॉन्ड है क्या वो बॉन्ड मौजूद है बाज़ अवत ऐसा होता है कि कंपनी के पास वो शेयर्स या बॉन्ड कंपनी के अपनी कस्टडी में नहीं होते बल्कि या तो किसी बैंक के पास पड़े हैं या सी के पास पड़े हैं या किसी स्टॉक ब्रोकर के पास पड़े हैं। उस सूरत में आप जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं उनसे सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स साल के दौरान खरीदे गए हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट साल के दौरान ख़रीदी गई है तो ऑडिटर को चाहिए कि ईच एंड एवरी परचेज़ को डिटेल में चेक कर ले यहाँ अगर बहुत ज़्यादा परचेजेस हुई हैं तो सेलेक्टेड परचेजेस यानी चंद परचेजेस को डिटेल में चेक कर ले कि वो सही तरह से प्रूफ हुई थी परचेज प्राइस सही थी पेमेंट हो चुकी है और सही कीमत की हुई है